एक भरपूर जिंदगी थी। जब भी उनकी महफिल में कोई आता, अगर जर्नलिस्ट होता तो उसकी जबान बोलते, एक आलिम आता तो उसकी जबान में बात करते, एक मुरीद आता तो उसकी जबान में बात करते थे। और अगर डिप्रेशन और टेंशन के शिकार जब उनकी महफिल में आते, थोड़ी देर बैठते तो जब उठ के जाते थे तो अल्लाह उस बीमारी को दूर फरमाते। हुजूर शाहुल आलम वो नारिया शरीफ से वो प्रोजेक्ट, नारिया शरीफ का वो फैजान लेके उठे, गजनी का वो फैजान लेके उठे, पाकिस्तान, बर्मिंघम, यूके, यूरोप और पूरी दुनिया के अंदर उसको फैला दिया। आज हमें जरूरत है उनके अमल और किरदार पर अमल करने की। आज उनके लफ्ज़े जिगर पीरे तरीकत हजरत पीर डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन सज्जादा नशीन आसमाने आलिया नारिया शरीफ, जैसे हमारा तआवुन उनके साथ था, इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ। माशाल्लाह बोल्टन से एक भरपूर काफिला लेकर अपने मुर्शिद करीम के उसमें शरीक हुए मुल्तमिस जनाब मौलाना अब्दुर रज़ाक नक्शबंदी साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और